हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन पे, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही है। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं जो डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर का डार्क रूम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, तो पहले इस मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का ओवरव्यू लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आज हम जो हमारे एक्सरे डिपार्टमेंट में देखते हैं कि हम एक्सरे एक्सपोज करते हैं और विद इन अ सेकेंड हमारे सामने हमारी डिजिटल इमेज आ जाती है और उसे हम प्रिंट देके उसको एक एक्सरे फिल्म में ले लेते हैं। लेकिन आपने क्या सोचा है कि अब से कुछ सालों पहले, 20 से 30 साल पहले क्या होता था, हमारी एक्सरे फिल्म थी जो विद इन अ सेकेंड नहीं आती थी, बल्कि उसे एक्सपोज होने के बाद से लेकर उसे प्रिंट देने तक या फिर उसको डेवलप करने तक कम से कम 1 घंटे तक का समय लग जाता था। वही सारी प्रोसेसिंग आपकी कहलाती है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। मैनुअल मतलब अपने हाथों से, वहां कोई इक्विपमेंट यूज नहीं होंगे जो हमारे होते हैं ना आज कंप्यूटर यूज हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें मैनुअल होंगी, हमारे हाथों से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इस मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग को सबसे पहले 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। देखो, पहले डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग। तो सबसे पहले इनको ऊपर ऊपर से देखते हैं, फिर एक काम करते हैं, हम एक एक के बारे में डेप्थ नॉलेज लेंगे। ठीक है, डीप में जानेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रही होती है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूं कि एक्सरे फिल्म है, ठीक है आपकी, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक्सरे फिल्म है, पेशेंट है, हमारी एक्सरे फिल्म पीछे कैसेट में लगी हुई है, सामने से एक्सरे आई, पेशेंट को एक्सपोज किया और पीछे एक्सरे फिल्म में चली गई। अब एक्सरे फिल्म में क्या होता है, AGBR मतलब सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, जैसे ही रेडिएशन आती है AGBR AG+ और BR- में डिवाइड हो जाता है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, AGBR जैसे मान लो यहां पे, यहां तो बोन आ गई तो बोन से तो रेडिएशन रुक जाएगी, बोन के पार तो जाएगी नहीं, जाएगी कहां से, साइड में से। तो मान लो साइड में से ब्लैक, जहां ब्लैक ब्लैक हो रहा है वहां पे रेडिएशन गई, वहां पे AG+ और BR- में डिवाइड किया। तो यहां तक है पहली स्टेप फिल्म की। अब इसको, ये सारी प्रोसेस होती है डार्क रूम के अंदर। ठीक है, डार्क रूम में इस फिल्म को ले जाया जाता है, सबसे पहले उसे डेवलप किया जाता है, डेवलपिंग, फिर उसको रिंजिंग, फिर फिक्सिंग, फिर वॉशिंग, फिर ड्राइंग। डेवलपिंग में क्या होता है, जैसे हम फिल्म डालेंगे, जो हमारे AG+ BR- है, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग, ये अपचायक होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं हम जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है AG+ को। तो AG+ को इलेक्ट्रॉन देकर, देखो AG+ इलेक्ट्रॉन देके मेटेलिक सिल्वर बना लेता है, मेटेलिक सिल्वर होता है ब्लैक, तो जहां पे ब्लैक शेड हो जाती है। फिर रिंसिंग किया जाता है, रिंसिंग मतलब इसको रिंस किया जाता है वॉटर से, इसको मतलब जो डेवलपर के अंदर जो सॉल्वेंट है, जो डेवलपर के केमिकल्स हैं, वो सारे हट जाए, उन सारी रिएक्शन रुक जाए, इसलिए रिंस किया जाता है। उसके बाद आती है फिक्सर। फिक्सर के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर है, जैसे कि ये बोन है, जो बोन के पीछे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये बोन है हमारी, क्योंकि AGBR तो सब जगह थे, तो बोन के पीछे वाले AGBR को रखने का क्या फायदा फिल्म के अंदर, उस AGBR को तो हम निकाल के काम में ले सकते हैं, तो उसको निकालने का काम करता है फिक्सिंग, फिक्सर। अनएक्सपोज्ड, जो एक्सपोज नहीं हुए, जो बोन के पीछे थे, उनको निकाल कर नीचे इकट्ठा करने का काम करता है आपका फिक्सर। फिर उसके बाद आता है वॉशिंग। वॉशिंग मतलब सारे केमिकल को वॉश कर लिया जाता है, सारी रिएक्शन रोक ली जाती है, और ड्राइंग में सुखाकर हॉट एयर के अंदर हमारे सामने हमारी एक्सरे फिल्म आ जाती है। तो ये था थोड़ा ऊपर ऊपर से, ठीक है, डेवलपर, रिंसिंग, फिक्सिंग। अब इस वीडियो में आगे हम समझते हैं डेवलपिंग के बारे में। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बाकी के चारों समझा दूंगा। ठीक है, इसमें हम समझते हैं आपका आपका डेवलपर के बारे में। देखिए, डेवलपर का मेन एम यह है कि आपकी जो लेटेंट इमेज है, उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का काम। लेटेंट इमेज का मतलब क्या, लेटेंट इमेज वही कि AG+ और BR- की फॉर्म के अंदर पड़े तो हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे हमें, वो ब्लैक व्हाइट कलर में दिख नहीं रहे हमें, तो उसको कलर देने का काम करेगा डेवलपर। वो कैसे करेगा, देखो
डेवलपर के अंदर पहला सॉल्वेंट होता है, पहला केमिकल होता है डेवलपिंग एजेंट। डेवलपिंग एजेंट कौन से? हाइड्रोक्विनोन एंड फेनिडोन, जिसे मेटोल भी कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन और फेनिडोन, हाइड्रोक्विनोन ये है क्या चीज? दोनों ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। ठीक है, ये स्लो में देगा और ये फास्ट देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। हम जानते हैं Ag प्लस है, इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन Ag प्लस से जुड़कर Ag सिल्वर बना देगा, मेटल सिल्वर जो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये है आपका डेवलपिंग एजेंट के बारे में, कि एक्सपोज सिल्वर को मेटलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन देकर, वो डेवलपिंग एजेंट हाइड्रोक्विनोन और फेनिडोन। ठीक है, डेवलपिंग के बारे में और थोड़ा हम जाने तो इसके देखो दो पॉइंट लिख रखे कि जो डेवलपर का जो टेम्परेचर है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ताकि सारे जो केमिकल है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव ना हो और लोअर एक्टिव ना हो। और हमें हमारी फिल्म को डेवलपर के अंदर 5 मिनट्स हमें उसके अंदर हमें उसको डुबो के रखना है। ठीक है, वो क्यों? अगर हम ज्यादा टाइम डुबो के रखेंगे क्योंकि हमारे Ag प्लस तो Ag प्लस और Br माइनस, Ag प्लस तो हमारे पास आ गया एक्सरे के कारण। ठीक है, अगर हमने कम टाइम डुबोया, कम टाइम डेवलपर के अंदर डाला, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये जुड़ने थे Ag प्लस से, वो जुड़ नहीं पाएंगे और जुड़ेंगे नहीं तो ब्लैकनेस आएगी नहीं, तो हमारी फिल्म व्हाइट हो जाएगी। लेकिन हमें ज्यादा टाइम दे दिया, 5 मिनट से भी बहुत ज्यादा टाइम रख के भूल गए, तो जो AgBr था जो रेडिएशन से टूटा भी नहीं था, वो भी उस वाले एटम को छोड़ के इस वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके यहाँ पे मेटलिक सिल्वर बना लेगा, समझे? तो यहाँ पे मेटलिक सिल्वर बना लेगा तो वो भी ब्लैक हो जाएगी, पूरी फिल्म ब्लैक हो जाएगी। मतलब ज्यादा टाइम दिया तो ब्लैक और कम टाइम दिया तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, व्हाइट रह जाएगी फिल्म। तो इसलिए हमें 5 मिनट और 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इसका पीएच होता है हमारे डेवलपर का, वो होता है 10 से 11 पीएच, मतलब ये क्षार होता है, क्षार ये। ठीक है, एल्काइन। पहला आपको है डेवलपिंग एजेंट, सबसे इंपोर्टेंट यही है, हाइड्रोक्विनोन फेनिडोन दिमाग में रखना है आपको याद। देखो इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है, आपको केवल ये डेवलपिंग एजेंट एक्टिवेटर के नाम याद रखना है, इनके काम याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है आपको बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन Ag प्लस से कनेक्ट करके Ag मेटल सिल्वर बना रहे, वो हमारी फिल्म के अंदर ब्लैक रंग देने का कारण है। एक्टिवेटर नाम से पता चल रहा है, जो रिएक्शन को एक्टिवेट करता हो, मतलब इसका एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस एल्काइन, ये उसको एक माध्यम प्रोवाइड करता है एल्काइनिटी को, ताकि ये रिएक्शन तेज हो सके, एक्टिवेट हो सके, कंट्रोल पीएच और इसके एक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगला आता है रेस्ट्रेनर, रेस्ट्रेनर ने जो रोके विरोध करे, एक्टिवेटर मतलब जो रिएक्शन को बढ़ाए, रेस्ट्रेनर मतलब कुछ चीजें ऐसी जो हमें रोकनी पड़ती है उसको रोके, वो है रेस्ट्रेनर। पोटेशियम ब्रोमाइड ये करता है जो हमारी अनएक्सपोज्ड सिल्वर है, जो एक्सपोज्ड है वो तो ठीक है, जो अनएक्सपोज्ड है जिन पर रेडिएशन नहीं पड़ी है वो भी इस इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके मेटलिक सिल्वर बना सकते हैं, लेकिन उनको रोकने का काम करता है हमारा रेस्ट्रेनर पोटेशियम ब्रोमाइड। ये एंटी फॉग एजेंट है, क्योंकि अगर अनएक्सपोज्ड सिल्वर भी इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके तो फॉग ही देंगे, जो जहां पे मैं व्हाइट दिखाना चाहिए था वहां पे ब्लैक हो गया, तो इस तरह से फॉग हुआ, जो इमेज चाहिए थी वो इमेज मिली नहीं। चौथा ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव जो उसको सुरक्षित रखे, सोडियम सल्फाइड जो इसके अंदर यूज होता है। ये क्या करता है, कई बार क्या होता है हमारा जो डेवलपिंग एजेंट है हाइड्रोक्विनोन और फेनिडोन, ये एयर के अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और ये सोडियम सल्फाइड प्रिजर्वेटिव का मतलब ही क्या, जो उसकी लाइफ को इंक्रीज करे, इस डेवलपर की लाइफ को इंक्रीज करता है, पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, सारे जो केमिकल है उनके ऊपर कंट्रोल रखता है, आपस में कोई हाइपर रिएक्शन ना कर जाए। ठीक है, क्या होता है जो ये है हमारा डेवलपिंग एजेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन अभिक्रिया करके वहां पे कलर्ड धब्बे बनाता है, उसके लिए उसको रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और यहाँ पे पांचवा हार्डनर, हार्डनर नाम से पता चल रहा है, हार्डनर मतलब जिसको जो हमारी एक्सरे फिल्म को हार्डनेस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो हार्डनर
इसमें ग्लूट्रो एल्डिहाइड यूज करते हैं हम, ठीक है, जो उसको इमल्शन स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लास्ट सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, ये क्या करता है सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, ये करता है हमारी रिमूव मेटल, जो अदर मेटल्स आ गई है, इम्प्योरिटीज आ गई है, उनको रिमूव करने का काम, डेवलपर को एकदम प्योर बनाने का काम करता है हमारा सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट जो होता है किलेट्स, ठीक है। तो यह है आपका मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का एक छोटा सा पार्ट, डेवलपिंग एजेंट, डेवलपर के बारे में जाना हमने, ठीक है। और आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।